नमस्कार। कल 7 दिसंबर है और अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मंदसौर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मनाया 62वां परिनिर्माण दिवस। अंबेडकर प्रतिमा पर की श्रद्धांजलि अर्पित। भवानी मंडी में मिल्क पाउडर का किया वितरण। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के तहत किया वितरित। भवानी मंडी में पिंक बूथ लगे सजने सवरने। मातृशक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशासन की अनूठी पहल। अब दिखाते हैं खबरें विस्तार से। भवानी मंडी में मातृशक्ति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग द्वारा पिंक बूथ का दर्जा प्राप्त सेठ आनंदी लाल पोद्दार उच्च माध्यमिक विद्यालय बूथ केंद्र अब सजने सवरने लगा है, जिसकी अंतिम तैयारियों का गुरुवार को रिटर्निंग अधिकारी कमल सिंह यादव ने जायजा लिया। पालिका के अधिशासी अधिकारी ने बताया कि पिंक बूथ का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देकर मतदान का प्रतिशत बढ़ाना है। बूथ पर महिला स्टाफ मौजूद रहेगा। हालांकि बूथ क्रमांक के अंतर्गत आने वाली महिला व पुरुष मतदाता मत का प्रयोग करेंगे, लेकिन महिलाओं की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस बूथ केंद्र पर पीठासीन अधिकारी से लेकर शेष स्टाफ महिला रहेगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पिंक बूथ पर कलर से लेकर सभी चीजें पिंक लगाने के आदेश प्राप्त हुए थे, लेकिन आयोग ने आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि पिंक बूथ पर अब किसी भी कलर की चीजों से साज सज्जा कर सकते हैं। भवानी मंडी में बूथ केंद्र पर कार्यरत वॉलेंटियर मतदान के दौरान सफेद रंग की टी शर्ट पहनकर नजर आएंगे। पिंक बूथ केंद्र पर चुनाव आयोग द्वारा वोटर सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। इस पॉइंट पर मेरा मत मेरा भविष्य का पोस्टर लगाकर वोटरों को सेल्फी लेने के लिए कुर्सी भी लगाई गई है। इस केंद्र के मुख्य गेट को गुब्बारे से सजाकर मतदाता को जागरूक करने के लिए रंगोली बनाई गई है। साथ ही गेट से मतदान कक्ष तक कालीन बिछाकर दोनों तरफ पौधों के गमले लगाए गए हैं। मतदाता के पानी पीने के लिए पानी के कैंपरों का काउंटर भी लगाया गया है। बूथ केंद्र पर प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था भी उपलब्ध है। महिला मतदाता के लिए टेबल कुर्सी लगाकर प्रतीक्षालय बनाया गया है। आप देख रहे हैं किस तरह से प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर चुकी है और यहां पर कल जिस तरह से मतदान होगा, मतदान केंद्रों को जिस तरह से रिटर्निंग अधिकारी ने सजाया है मानो कोई उत्सव हो। और वैसे भी लोकतंत्र के इस त्योहार में हर कोई भाग लेना चाहेगा, अपने मत का प्रयोग करना चाहेगा। मैं दिखाना चाहूंगा किस तरह से सेठ आनंदी लाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को सजाया गया है, जहां पर पूरी तरह से कालीन बिछा गई है, गेटों को सजाया गया है और अंत तक जहां मतदान केंद्र है वहां तक पूरी कालीन बिछाई गई है, पेड़ पौधे लगाए गए हैं। किस तरह से इस लोकतंत्र के उत्सव में लोग भाग लेंगे, इसकी खास विशेष व्यवस्था की गई है। कल 7 तारीख को मतदान होगा। मतदान को लेकर युवाओं में और सभी में बहुत ही हर्ष बना हुआ है कि जो युवा पहली बार मतदान करेंगे उनमें भी काफी उत्साह बना हुआ है। मैं दिखाना चाहूंगा हमारा कैमरामैन के माध्यम से किस तरह से यहां पर अधिकारियों ने कल मतदान को लेकर व्यवस्था की है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहां पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा व्यवस्था की गई है। पूरा प्रशासन अमला इस बार चुनाव को कुछ खास बनाने में लगा हुआ है। 2018 के चुनाव इस बार कुछ खास देखने को नजर आ रहे हैं। जिस तरह से पूरा प्रशासन लगा हुआ है, पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है चुनाव 100% पूर्ण मतदान कराने के लिए, माना जा रहा है कि इस बार प्रशासन की जो ये सफलता है उन्हें हासिल हो, ऐसी प्रशासन की कामना है। वो प्रशासन चाहता है कि इस बार पूरा 100% मतदान हो, जिससे मतदान की औसत भी बढ़े और लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता भी हो। ऐसे कुछ खास कमियों को लेकर इस बार प्रशासन दिखा रहा है यहाँ किस तरह से प्रशासन ने साज सज्जा की गई है, किस तरह से मतदान केंद्रों को सजाया गया है, जिससे आने वालों को लगे कि वाकई में किसी वो लोकतंत्र के इस महा उत्सव में भाग लेने के लिए आए हैं और जो कि यहाँ आकर उन्हें ऐसा नहीं लगे कि वो कहीं और जगह आ गए, ऐसा लगे कि किसी समारोह में आए हो। और माना जा रहा है कि ये समारोह से कम भी नहीं है। लोकतंत्र का ये उत्सव पूरा प्रदेश मनाएगा। मतदान केंद्रों पर जा जाकर लोग मतदान करेंगे, ऐसी व्यवस्था प्रशासन ने यहाँ की गई है। मैं दिखाना चाहूंगा हमारा कैमरामैन के माध्यम से कि किस तरह से व्यवस्था यहाँ पर की गई है, किस तरह से साज सज्जा की गई है, क्या क्या यहाँ पर पूरी तरह से इसको सजाया गया है जहाँ पर लोकपाल कल मतदान करने पहुंचेंगे। मेरे पीछे देख रहे हैं आपके जो कि भाग संख्या 50 है और किस तरह से यहाँ इन बूथों को सजाया गया है। काफी सारी सुंदर व्यवस्थाएं की गई है, जिस तरह से यहाँ पे
नजारा देखने को नजर आ रहा है वो काफी सुंदर नजारा देखने को आ रहा है कि जिस तरह से प्रशासन ने यह व्यवस्था की है बाकी माकूल व्यवस्था है। ऐसा लग रहा है मानो किसी शादी समारोह में लोग बाग यहाँ आ रहे हैं और विभाग संख्या 50 में आकर लोग यह मतदान करेंगे। कल यहाँ पर जैसे सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होगा जो शाम की 5 बजे तक चलेगा, जिस लोकतंत्र के महाकुंभ में हर कोई भाग लेकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। और मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि कल किस तरह यहाँ पर मतदान होगा। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इस बार प्रशासन ने एक अनूठी पहल की है। जिस तरह से यहाँ पर राजकीय सेठ आनंदीलाल पोद्दार उच्च माध्यमिक विद्यालय में सुगम मतदान केंद्र बनाया गया है जो कि काफ़ी खूबसूरत है और जहाँ पर प्रशासन ने कहीं सारी व्यवस्था की है, इतनी सारी माकूल व्यवस्था की है जो देखने लायक है, जो तारीफ करने लायक है। क्या इस तरह का एक अनूठा मतदान केंद्र प्रशासन ने बनाया है। यहाँ पर कालीन बिछाई गई है, मुख्य द्वार पर रंगोली सजाई गई है और 2 गेट बनाए गए हैं जिससे लोग अंदर चलकर आएंगे और अपना मतदान का प्रयोग करेंगे। जहाँ पर सुसज्जित इस मतदान केंद्र पर पानी की व्यवस्था और चिकित्सा व्यवस्था, सेल्फ की व्यवस्था और वोटर्स को जो आएंगे उनके बैठने की व्यवस्था भी यहाँ की गई है। माना जा रहा है कि इस तरह का मतदान केंद्र भवानी मंडी में पहला मतदान केंद्र होगा जो कि काफ़ी खूबसूरत और सुसज्जित होगा। मैं बताना चाहूँगा हमारे कैमरामैन के माध्यम से किस तरह से यहाँ तैयारियाँ की जा रही है, जो कि वहाँ की जो व्यवस्था है प्रशासन की वो काफ़ी माकूल व्यवस्था है। माना जा रहा है कि यहाँ पर जो भी कर्मचारी होंगे वो महिला ही कर्मचारी होगी और महिला ही कर्मचारी यहाँ पर काम करेगी, बाकी पीटा सिंह अधिकारी और बाकी रहेंगे और मुख्यतः इनकी जो ड्रेस होगी और वो व्हाइट ड्रेस होगी, व्हाइट ड्रेस में यहाँ पर जो कर्मचारी होंगे काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा पीछे की किस तरह यहाँ पर सेल्फी की व्यवस्था भी, चिकित्सा व्यवस्था, काफ़ी सारी माकूल व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है जिसको लेकर प्रशासन काफ़ी तैयारियाँ कर रखा है। इस तरह का अनूठा मतदान केंद्र भवानी मंडी में पहली बार देखने को नज़र आ रहा है और काफ़ी सारी सुविधाएँ यहाँ पर बनाई गई है। सुसज्जित यहाँ पर सेल्फी भी बनाया गया है। किस तरह से यहाँ पर मतदाता जो आएंगे वो अपनी सेल्फी लेकर मेरा मत मेरा भविष्य को लेकर वहाँ सेल्फी लेंगे और कहीं बैठने की यहाँ पर भी काफ़ी सारी व्यवस्था की गई है। काफ़ी सारे लोग जो आएंगे वो यहाँ पर बैठकर बातचीत करेंगे, उसके बाद यहाँ से सीधे मतदान करने को चले जाएंगे। ऐसी अनूठी पहल इस बार प्रशासन ने की है और कहीं सारे लोग भी हमारे साथ यहाँ रहेंगे। मैं तो कहना चाहूँगा सभी दर्शकों से और शहरवासियों के, जो भवानी मंडी में इस तरह का जो मतदान केंद्र प्रशासन ने बनाया है वो काफ़ी देखने लायक है, काफ़ी सुंदर है। यहाँ का जो माहौल इस तरह का लग रहा है जैसे कोई हम किसी मेले में आ गए हो, किसी ऐसी जगह आए हो जो काफ़ी खूबसूरत है, ऐसी जगह प्रशासन ने यहाँ पहली बार बनाई है। आपने देखा किस तरह से प्रशासन ने यहाँ पूरी तैयारियाँ की हुई है और कल सुबह 7 बजे बाद यहाँ पर मतदान प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जहाँ पर यहाँ से उस साइड से लोग आएंगे और यहाँ पर अपना मत का प्रयोग करके यहाँ से निकल जाएंगे। हमारे साथ दिखाऊंगा मैं आपको किस तरह से जो पीटा सिंह अधिकारी है और उनकी जो पूरी टीम है वो किस तरह से यहाँ कार्य कर रही है। सारे जो अधिकारी है मौके पर मौजूद है, पीटा सिंह अधिकारी भी यहाँ मौके पर मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे इस विषय को लेकर किस तरह की तैयारियाँ यहाँ हो रही है, किस तरह से यहाँ पर वोट डलेगा और कितनी महिलाएं यहाँ पर सुबह रहेगी, हम बात करेंगे उनसे। जी मैम, आपका नाम? सर दीप्ति बोहरा। दीप्ति जी, किस तरह से यहाँ पर काम किया जा रहा है, किस तरह का? हाँ, सरकार की तरफ से अपने झालावाड़ में पहली बार महिलाओं को मौका दिया गया है और इसमें हमारे 5 लोगों की टीम है, 5 महिलाएं हैं हम इस बूथ पे, साथ ही सुरक्षाकर्मी हैं, वो भी महिलाएं ही रहेंगी और पुरुषों और महिलाओं की अलग अलग लाइन रहेगी। व्यवस्था को सुचारू रूप से पूर्ण करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। SDM साहब भी बता रहे थे, उनके निर्देशों का पालन कर रहे हैं हम। यानी कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि एक महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का एक पिंक बूथ बनाया है इस बार प्रशासन ने, तो क्या क्या और व्यवस्था यहाँ पर माकूल व्यवस्था की है जिससे कि ये थोड़ा और सुसज्जित लगे और अच्छा लगे, ऐसा लगे जैसे हम किसी ऐसी ऐसी जगह वोट डालने आए बल्कि कुछ ऐसी जगह डालने। आकर्षक बनाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है प्रशासन की ओर से भी, आप खुद देख रहे होंगे बाहर हर तरह से शुद्ध जल की, फर्स्ट एड जो है, प्राथमिक चिकित्सा की, जो ये ब्लाइंड और ये अपंग जो मतदाता होते हैं, शिथिलांग जो होते हैं, उनके लिए रैंप की जो व्यवस्था है वो की गई है और हमारा पूर्ण प्रयास रहेगा कि सुगम मतदान हम करवा सकें। बिल्कुल, जैसा कि पीटा सिंह अधिकारी ने बताया है कि यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल माकूल है और इस सुसज्जित और सुगम तरीके से यहाँ पर चुनाव संपन्न करवा सके। आप देख रहे हैं कि प्रशासन ने किस तरह की एक माकूल व्यवस्था की, इस बार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा मतदान केंद्र बनाया है। माना जा रहा है कि ये सारी सुविधाओं से सुसज्जित मतदान केंद्र होगा। हमारे साथ बने हुए हैं RO अधिकारी, हम बात करेंगे उनसे कि किस तरह की माकूल व्यवस्था इस बार प्रशासन ने की है, किस तरह का केंद्र यहाँ पर भवानी मंडी में बनाया गया। सर, किस तरह का केंद्र इस बार भवानी मंडी में प्रशासन ने बनाया है? राजस्थान में
विधानसभा आम चुनाव 2018 हैं, इन चुनावों में निर्वाचन विभाग ने गाइडलाइन जारी की थी, डायरेक्शन दिए थे कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक महिला मतदान केंद्र अवश्य स्थापित हो। उसी कड़ी में डग विधानसभा के अंदर एक महिला मतदान केंद्र जिसको कि पिंक बूथ नाम दिया गया है वो प्रारंभ किया गया और भवानी मंडी के पोद्दार स्कूल में इसको स्थापित किया गया है। इस बूथ में चुनाव के लिए जितने भी कर्मचारी लगाए जाएंगे, चाहे वो कर्मचारी पोलिंग से संबंधित हो चाहे वो सुरक्षा से संबंधित हो, सभी महिलाएं होंगी। पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट, सेकंड, पोलिंग ऑफिसर थर्ड, पीआरओ, सभी महिलाएं होंगी। मतपेटियां जिसको अब ईवीएम के रूप में लिया जाता है, अगर ईवीएम की सुरक्षा की जानी है तो उसके लिए जो सुरक्षा गार्ड लगाए जाते हैं वो भी महिलाएँ लगेगी। पूरी साज सज्जा की गई और लोगों में जागृति फैलाने की कोशिश की गई, महिला सशक्तिकरण किया गया। और इस अवसर पर सभी शहरवासियों से मेरा निवेदन है कि कम से कम एक बार इस मतदान केंद्र को आके अवश्य देखें और मतदान कितना अनूठा पर्व हो सकता है इसको देख के गौरवान्वित महसूस करें। और कल के दिन कोई भी मतदाता मत करने से वंचित नहीं रह जाए, मत अवश्य करें। थैंक यू। बिल्कुल, जैसा कि हमारे अधिकारी ने बताया कि सभी मत का प्रयोग करें और कोई भी वंचित न रहे। इस बार यही चाहते हैं कि भवानी मंडी में जो मतदान हो वो 100% मतदान हो, ऐसी प्रशासन की अनूठी पहल है। मैं राहुल रावल। भवानी मंडी में शहर के वार्ड नंबर 13 के आंगनवाड़ी केंद्र पर मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के तहत मिल्क पाउडर का वितरण किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संगीता गुप्ता ने बताया कि 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को मिल्क पाउडर का वितरण किया गया। इस दौरान आशा सहयोगिनी नीता गुप्ता, सहायिका डिंपल पवार, सुपरवाइजर लीला मेहर आदि उपस्थित रही। मंदसौर जिले के बोलिया में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 62वें परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। मंदसौर जिले के कई गांवों में आज देश के संविधान निर्माता, समाज सुधारक एवं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 62वें पुण्यतिथि पर आज बोलिया में भी अंबेडकर प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही में संविधान बचाने की भी शपथ ली। मौके पर कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। खबर 24 न्यूज, सुमित सिंह राठौर की रिपोर्ट। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का 62वां महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही दुख का दिन है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी आज के दिन यानी 6 दिसंबर 1956 को हमें पूरी दुनिया से हमें अलविदा कह गए थे। अतः बाबा साहेब ने पूरी मानव समाज के लिए आजीवन यानी पूरी जिंदगी संघर्ष किया। आज हम गांव बोलिया में बाबा साहब की परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। इन्होंने पूरी जिंदगी अपने समाज को उत्थान करने में लगा दी, यहाँ तक कि अपने 4 पुत्रों को भी इस आरक्षण और समाज के लिए चला दिए। ये केवल पिछड़े वर्ग के समाज के लोगों के लिए ही नहीं, पूरे देश के समाज के, पूरे देश के लोगों के लिए ही इन्होंने अपनी जिंदगी और अपनी जो भी डिग्रियाँ थी उसके उसके फलस्वरूप सभी पूरे देश को जागरूक किया। और पूरी जिंदगी में यही इनका यही मिशन था कि अपने गिरे हुए समाज को जागरूक करना और अपने समाज के लोगों को, बड़े लोगों को पैदा करना। बड़े लोगों के साथ तात्पर्य है कि जिस समाज में 30 इंजीनियर, 10 डॉक्टर और 20 वकील हो जाए तो उस समाज की, उस समाज को जुल्म करने के लिए छोड़ो, कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। तो यही मैं अपने समाज के लोगों को कहना चाहता हूँ कि कृपया चाहे घर में खाने के लिए अन्न रोटी कुछ भी ना हो, लेकिन अपने बच्चों और भाइयों को शिक्षित बनाएं और संगठित करें। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए खबर 24 न्यूज़। नमस्कार।